स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक फोर जनरल अवेयरनेस का कंसेप्ट कर रहे हैं, स्पेयर शेप। आपकी बुक में पेज नंबर 54 ऐसा भी ओपन करेंगे, पेज नंबर 54 कंसेप्ट है आपका स्पेयर। ओके बच्चों, आपने इसमें ओपन कर लिया, तो आज मैं आपको स्पेयर शेप के बारे में बता रही हूँ। स्पेयर शेप क्या होती है? एक राउंड होता है आपका, लेकिन वो क्या होता है, बहुत सॉलिड होता है और फैट मतलब थोड़ा मोटा होता है। तो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ मैंने पिक्चर स्ट्रोक की हुई है। फर्स्ट आपका यहाँ पे बॉल है, ठीक है? तो आपके आपके पास नॉर्मली आप सब खेलते हैं बॉल, फुटबॉल के, वो क्या होती है, राउंड में होती है, लेकिन थोड़ी क्या होती है, मोटी होती है, फैट में होती है। उसके बाद आपका यहाँ पे लड्डू, आप लोग खाते होंगे मिठाई में लड्डू, मोती चूर के या बेसन के जो भी होते हैं, वो क्या होता है, राउंड शेप में होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं वो। उसके बाद मार्बल्स, मार्बल्स आप जानते हो, जिसको हम कंचे भी बोलते हैं, कांच के होते हैं वो, मार्बल से आप खेलते हो, वो क्या होते हैं, राउंड में होते हैं लेकिन सॉलिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा। ये है ग्लोब। ग्लोब आपको बच्चे आपके स्कूल में भी मिल जाएंगी, या आप कभी किसी ऑफिस में जाते हो या किसी लाइब्रेरी में या कहीं भी जाते हो, तो आपको एक ग्लोब मिलती है, राउंड में होती है लेकिन क्या होती है, सॉलिड होती है। ये है आपका कंसेप्ट जो पेज नंबर 54 और 55 पे है। बच्चे आपको एक्सरसाइज दी हुई है, ये आपको फील करनी है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्या है। जैसे ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, ये क्या है, राउंड में है लेकिन सॉलिड है, और इसका क्या होता है, स्टे नहीं होता। जैसे मैंने इसको हाथ पे रखा हुआ है, इसका स्टे नहीं है, ये लुढ़कती रहती है, इधर उधर लुढ़क रही है ना, इसका कोई स्टे नहीं है। तो ये क्या है, हमारी स्फीयर। और इससे अलग है हमारी सर्कल शेप। सर्कल शेप क्या होती है, आप लोग प्लेट्स में खाना खाते हो, ठीक है, और जैसे मैंने बैंगल्स पहनी हुई है वो, तो इसका क्या होता है, स्टे होता है। अगर आप इसको एक जगह पे रखोगे तो स्टे रहेगी, ठीक है। ये डिफरेंस है इन दोनों का। स्फीयर में क्या होता है, वो सॉलिड होती है लेकिन उसका कोई स्टे नहीं होता है, और सर्कल में क्या होता है, ये थोड़ी पतली होती है लेकिन इसका स्टे होता है। ये आपका कंसेप्ट है, आपको एक्सरसाइज अपनी बुक में करनी है, ठीक है। और पेज नंबर है आपका 54 एंड 55। थैंक यू।